शिव पुराण कथा का आयोजन माँ चामुंडा भक्त मंडल द्वारा स्थानीय प्रकाश नगर गली नंबर 3 स्थित माता मंदिर पर किया जा रहा है, जिसमें भक्त पहुंचकर कथा का रसपान कर रहे हैं। जो पांच भौतिक शरीर है इसमें भी चारों वर्ण विराजित हैं। इतना जो मस्तिष्क है ये ब्राह्मण का है, ज्ञान देने का काम करता है। ये छत्री है, हाथ है, जो ये पेट है, ये बनिया है और पैर शूद्र है। न कोई किसी से छोटा है, न कोई किसी से बड़ा है, समान। आप देखिए, कांटा पैर में लगता है और निकालने मालूम कहां पड़ती है, माथे में तेरे कांटा लगा है, निकालने कौन जाता है, हाथ जाता है निकालने। मालूम यहां पड़ा, निकालने हाथ गया, क्योंकि ब्राह्मण का काम ज्ञान देना, ज्ञान लेना, छत्री का काम रक्षा करना, बनिया का काम बराबर बांट के खाना। अन्न पेट में जाता है लेकिन एक वाल तक भी पहुंचता है, हर खून में वो परमात्मा भेजता है। शूद्र का काम सबकी रक्षा करना, सबको लेकर के चलना, न कोई किसी से छोटा है, न कोई किसी से बड़ा है, ये समान है। रूप प्रेमियों, इसलिए कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये स्वर्णदास ऋषि कह रहे हैं, तुझी महाराज आप लोगों को समस्त लोगों के कल्याण के लिए शिव महापुराण जो श्री जी के द्वारा दिया हुआ है, वो ज्ञान अर्थ कामना धर्म मोक्ष ये चारों को देने वाला है। महाराज, तुझी महाराज के वचनों को सुनकर के ऋषि जनी विनम्र होकर के कहने लगे हैं, हे महाराज हमें शिव महापुराण के संबंध में बताइए, जो बड़ा प्रबल है, हमारे मन में इच्छा जागृत हो चुकी है। हे सुजी महाराज, हमें वो सुंदर कथा सुनना चाहते हैं। हे ऋषियों, जब कल्पों का अक्षय होकर के वर्तमान कल्प में जब प्रादुर्भाव हुआ, जब सृष्टि की रचना की भगवान के मन में इच्छा जागृत हुई, उस सृष्टि की रचना के लिए आपस में विचार करने लगे, हे राजन जब किसी के निर्णय पर नहीं पहुंचे, लोग मिलकर के निपटारा करने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास में गए हैं, हे राजन जब उनकी बातों का ध्यान सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा है, जो सबसे प्रथम स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसमें मन वाणी आदि गति नहीं है, जिससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र सभी महाभूत इंद्रियां ये सृष्टि की रचना हुई है, वो सबसे परे है। हे राजन, भगवान शिव की परम भक्ति परम ज्ञान वे संसार के प्राण हैं, वे संसार के सृष्टि रचना में सबसे प्रथम उनका प्रादुर्भाव हुआ है। राजन, ब्रह्मा जी के मन में जब सृष्टि की बात उपजी, बैठ करके विचार कर रहे थे, राजन विष्णु के नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा का प्राकट होता है। ब्रह्मा ने विचार किया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, चारों तरफ देखने लगे, उनके चार मुख हो गए, बोलने मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ऊपर से आवाज आती है, तप करो तप करो तप करो। ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए,
हजारों वर्ष तपस्या करी, उसके बाद वेद के विचार कर रहे हैं, उनके मस्तिष्क से जब विचार कर रहे थे, नील लोहित नील वर्ण का एक छोटा बालक पैदा होता है, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। पर रुद्र भगवान की महाकाल की, तुम पैदा होते से ही रोए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। जब रुद्र की उत्पत्ति हो गई, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जाओ जाकर के संतान पैदा करो, शशि की रचना करना है। पैदा करेंगे रखेंगे कहां? अरे पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, पहले उसको लाने का प्रयत्न करें। यहां भगवान ने विचार किया किस काम को और कौन कर सकता है, इसलिए भगवान ने यहां पर 12 अवतार धारण किया है। बोले 12 भगवान की, 12 बनकर के जो समुद्र के अंदर पृथ्वी डूबी हुई थी उसको लेकर के खाने लगे। बीच में हेलाज से मिलाप होता है, हेलाज से युद्ध होने लगा, युद्ध में साथ में हेलाज का वध करके आकाश से दुम्बी बजे लगी है, पुष्पों की वर्षा हुई, हेलाज का वध किया है प्रभु ने और पृथ्वी को विस्थापित कर दिया है। बाबा भोलेनाथ सुनाद को बढ़ाने लगे, भूत प्रेत दागनी साकिनी तमाम पैदा कर, ये कैसे काम चलेगा, तमाम भूत ही भूत प्रेत दागनी साकिनी, महाराज ये सृष्टि समझ में नहीं आई,